तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन में जो अगला पार्ट है, इसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया ये आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अब देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें अपन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या काम आता है, कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जेड एन एच जी की प्रेजेंस में और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन में। ठीक है, जैसे देखो इसकी मैकेनिज्म देखो, ये मैकेनिज्म रही, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जेड एन एच जी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन में। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करें हम, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले एच प्लस जो एसिडिक मीडियम लिया है, वो एच प्लस किस पे अटैक करेगा, एच प्लस सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ओ एच प्लस, क्या बना, ओ एच प्लस। ठीक है, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो मेटल है जो जेड एन है, ठीक है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स देगी इसको, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, जैसे अपन जेड एन को तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, जेड एन प्लस टू, और किस में टूटता है, टू इलेक्ट्रॉन्स में। तो क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या दे देंगे, इस कार्बन पे दे देंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव। अब क्या करोगे, यहाँ पर टू एच प्लस है, ठीक है, या तो आप पहले एच प्लस एक बार यहाँ दे सकते हो, एक बार यहाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, दो एच प्लस, एक एच प्लस तो मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, और एक प्लस एच प्लस कहाँ दूंगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो एक एच है प्लस, वो तो नेगेटिव पे जुड़ जाएगा, और जो एक एच प्लस किस प्रोटोनेशन होगा, तो ओ एच टू बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ एच टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, एच टू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से मेटल आएगी, मेटल क्या करेगी, टू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, टू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन गया, एल्केन। ठीक है, क्या चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, जेड एन एच जी की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, एल्केन। इसे क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, इसे क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम डायरेक्ट देखो, इधर कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड जेड एन एच सी एल की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है किस में कन्वर्ट हो गया, सी एच टू में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जिस प्रकार ये एग्जाम्पल है, जेड एन एच जी व एस सी एल एच टू ओ की प्रेजेंस में क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये एल्डिहाइड है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सी एच थ्री में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, सी एच थ्री में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको ये दे देगा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, या आपको दे देगा ये प्रेजेंस है ये, और ये कंपाउंड आपको बनाएगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एक एक नंबर के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखो, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन एच जी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में। ठीक है, ये देखो साइक्लोपेंटेनोन है, किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोपेंटेन में। जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी एच टू में। ठीक है, इसी प्रकार ये जेड एन एच जी है, इसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट अपन
बात करें वोल्फ किसनर रिडक्शन, ठीक है, वोल्फ किसनर रिडक्शन जस्ट लाइक किलिमेंसन की तरह ही होता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करता है? एल्केन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है? एल्केन में। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजीन है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, ठीक है, हाइड्रोजीन है। तो हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के दो एच तो ये रहे, ठीक है, और ऑक्सीजन परमाणु ये रहा, ठीक है। तो -H2O क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्या बाहर निकलेगा? -H2O, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? एल्केन। देखो वो कैसे बनाएगा, सबसे पहले H2O बाहर निकला, ठीक है, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड हो चाहे फिर क्या हो, कीटोन हो, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्रेजोन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेजोन, ठीक है। उसके बाद में बेस की प्रेजेंस में, बेस क्या करता है भाई? एच प्लस बाहर निकालता है, तो एच प्लस बाहर निकालेगा यहाँ से ये वाला, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, ये बॉन्ड देखो ये इधर आ रहा, ठीक है। इसके बाद में ये बॉन्ड किधर आ जाएगा? इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इधर तो क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, बॉन्ड इधर आ गया तो इसलिए इस वजह से इधर तो क्या आ गया? नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद में अपन H2O की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे तो OH तो बाहर निकल जाएगा, H कहाँ दे देंगे? इस नेगेटिव पे, ठीक है, इस नेगेटिव पे क्या दे देंगे अपन? H, ठीक है। उसके बाद में फिर से अपन क्या करेंगे, बेस की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे। बेस क्या करेगा, एक H और बचा है NH2 का, अब यहाँ पर NH था तो यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा? ये क्या वह करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है, बेस, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ठीक है, ये आ गए, ठीक। उसके बाद में क्या बाहर निकलेगा? N2 क्या होगा? बाहर निकल रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, तो क्या बाहर निकल रहा है? N2, ठीक है, तो इधर से H और इधर से OH, क्या बाहर निकल जाएगा? H2, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है, H2O की प्रेजेंस में फिर से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा भाई? H किधर ट्रांसफर कर देंगे? इस नेगेटिव पर, तो क्या बन जाएगा? एल्केन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करवाई, हाइड्रोजोन बना, फिर उसके बाद में N2 बाहर निकलता है, क्या होगा? एल्केन बनता है, ठीक है। बेस क्या काम कर रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है? जो NH2 है उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वोल्फ किसनर रिडक्शन, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल देखो, जैसे एसीटोन है, एसीटोन की हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा, ठीक है, N2 बाहर निकल जाएगा और H2। जैसे ये साइक्लोहेक्जेनोन है, NH2 के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा? साइक्लोहेक्जेन बनेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल पेपर्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट दे देगा और क्या बनवाएगा? प्रोडक्ट बनवाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं मीरवाइन पोंड्रोप वर्ली रिडक्शन, ठीक है, मीरवाइन पोंड्रोप वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, ठीक है, एल्कोहल की के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में, किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो मीरवाइन पोंड्रोप वर्ली रिडक्शन क्या है? जस्ट ओपन और ऑक्सीडेशन के रिवर्स होता है, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड हो या कीटोन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में?
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड लिया है तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इधर मैंने क्या लिया, कीटोन लिया और आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और बाहर क्या निकल रहा है भाई, एसीटोन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो मीरवाइन पोंडोर्फ वर्ली रिडक्शन ये है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल में गर्म करते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं, मीरवाइन पोंडोर्फ वर्ली रिडक्शन अपचैन। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ईजी मैकेनिज्म है। यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं कोई सा भी। अब देखो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है ये। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो ये सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जो ये एच है ये ट्रांसफ़र किस पे होगा, कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, जो एल्यूमिनियम और उसके साथ जुड़े हुए ग्रुप हैं ये किस पे आ जाएंगे, इस कार्बन पे। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकला भाई, बाहर क्या निकला, एसीटोन। ठीक है, बाहर क्या निकला है, एसीटोन। ठीक है, अब देखो बन क्या रहा है, इसमें क्या बन रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या बन रहा है, एल्कोहल। अब प्रेजेंस अपनी किसकी थी, प्रेजेंस किसकी थी अपनी, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, निर्माण, और इसके साथ ये बाहर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, और ये तो किधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इधर। ठीक है, ये तो किधर हो जाएंगे, इधर ट्रांसफ़र। और जो H है इसका, जो H है ये किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ये क्या है, मीरवाइन पोंडोर्फ वर्ली रिडक्शन। सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन हो, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, उसकी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है, ये बॉन्ड किधर आता है, इधर। ठीक है, ये बॉन्ड इधर। ठीक है, और ये बॉन्ड किधर जाता है, इधर। तो ये जो एल्यूमिनियम वाले ग्रुप तो किस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, इस पे। ये क्या बनेगी, सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये बना। ठीक है, इसके बाद में ये जो एल्कोहल लिया है इसका एच है ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे। ठीक है, और ये ग्रुप कहाँ जाएगा, इस पे। तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, ये क्या है, मीरवाइन पोंडोर्फ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है अपन कार्बोनिल कंपाउंड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कैसे अपचयन करें, क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एसीटी एल्डिहाइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अपन रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एथेनॉल का निर्माण होगा। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। यदि मैं यहाँ पर एसीटोन लेता हूँ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूँ तो क्या बनेगा, 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इसमें हाइड्राइड कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। हाइड्राइड क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है कार्बोनिल कार्बन पे। तो क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। और यदि एसीटोन लूँगा तो क्या बनेगा,
सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये आज के चैप्टर में अपने क्या पढ़ा, अपन ने रिडक्शन पढ़ा है, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किसनर रिडक्शन, ठीक है, और एमवीपी रिडक्शन, ठीक है, एमपीवी मीरवाइन पोंड्रोफर्ली रिडक्शन और रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो ये ओनली क्लासें जो बीएड इंटीग्रेटेड की हैं, लगभग एक दो क्लास में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यूवी और आईआर।